During the course of my life, have I lost my identity as an individual? Now am I afraid, or have I lost the courage to go out of my comfort zone? Is my age, my profession, my family coming in the way of my dreams? No. 2017 में जब IPS अफसर अमृता दुहन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी से पास होकर निकली, तब उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ट्रॉफियां जीती थी। इन ट्रॉफियों में बेस्ट फीमेल ऑलराउंडर प्रोबेशनर और बेस्ट फीमेल आउटडोर प्रोबेशनर की भी ट्रॉफी शामिल थी। पर इससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें अपने बेटे समर को देखकर हुई, जिससे वह पूरे 6 महीने बाद मिली थी। MBBS और फिर MD की डिग्री हासिल करने वाली अमृता एक माँ और एक डॉक्टर का रोल बखूबी निभा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला किया और सिविल सर्विसेज में भर्ती होने के अपने सपने को पूरा करने के पीछे जुट गई। पर उस वक्त उनका बेटा सिर्फ 2.5 साल का था और उसे छोड़कर जाने का फैसला उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। हर बार जब वह अपने बच्चे को फ़ोन पर रोता हुआ सुनती तो सोचने लगती कि कहीं उनका फैसला गलत तो नहीं है। पर फिर उनके बेटे की मुस्कुराहट और पति का हर हाल में साथ उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता। आज IPS अमृता अपने बेहतरीन काम से राजस्थान के लोगों का दिल जीत रही हैं। अमृता की कहानी उन हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो नौकरी के साथ साथ UPSC पास करने का भी सपना देखते हैं। अमृता के बेटे को भी आज अपनी माँ पर उतना ही गर्व है जितना पूरे देश को।